हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बेटा क्या कर रहा है? अरे दादू मेरे जूते नहीं मिल रहे। अरे यार कल तो रहेगा तू। अरे मिल गए मिल गए। हाँ मिल गए ना। अब सुन बोलो। ये रे इसे अपने ऊपर झड़क के जाते सारे काम हो जाएंगे। क्या ये? अरे स्वामी ओम के मुख से बना हुआ लोटा है, मैं उनके पास गया हुआ था। मैंने उन्हें बताया ना कि मेरा पोता नया काम शुरू किया तो उन्होंने दिया है कि उसको मेरे मुंह से उसको ऊपर छिड़क देना कि सारे काम हो जाएंगे। वो पागल हो गए क्या? मैं छिड़क गई थी अपने ऊपर। काम करो आप अपने ऊपर छिड़क लो, जितना बच जाए ना वो स्वामी ओम को पिला देना। अरे नहीं नहीं यार सुन तो। अरे नहीं नहीं दादू मैं लेट रहा हूँ। बाय बाय। अरे बेटा सुन बाय। अरे सुन यार बात करके बच्चे भी ना सब लोग बात ही सुनते हैं। क्या बात है आजकल बहुत लेट आ रही हो यहाँ पर ऑफिस में? हटो तंग मत करो मुझे। अरे क्या हो गया जाने मन? हेलो ओ ओके ओके संडे में सुनो एक क्लाइंट आ रहा है तो अब अपना काम अच्छे से करना ठीक है? ओके। अरे ये काम नहीं तुम्हारा ऑफिस वाला काम। ओ ओके ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर अभिषेक। तुझे देखा तो ये जाना सनम। हेलो मिस्टर अनुराग प्लीज कम हैव अ सीट। प्यार होता है दीवाना सनम। मीट माय सेक्रेटरी मैरी। ये क्या हो रहा है बे? मिस्टर अनुराग हाँ हाँ जी बताइए क्या लेंगे आप? चाय कॉफी पेप्सी? अरे चाय कॉफी पेप्सी लड्डू। चाय कॉफी पेप्सी लड्डू है तो सारे पुराने हैं। ताजा ताजा रांड दिखी है हम इसके दीवाने हैं। क्या? अरे मतलब जो भी अपने हाथों से देंगी हम ले लेंगे। सर ये काम वाली बाई नहीं है, ये मेरी सेक्रेटरी है। हाँ माना थोड़ी काम वाली बाई जैसी शक्ल है इसकी, लेकिन ये मेरी सेक्रेटरी है। आपको शर्म नहीं आती एक इज्जतदार महिला के बारे में ऐसे बोलते हुए? यार छोड़िए ना इन्हें, ये तो शक्ल से ही लीचड़ लग रहे हैं। एक्सक्यूज मी ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना कि ये डील मैं ही फाइनल करूंगा, और अगर मैं नाराज हो गया तो ये डील आपके हाथ से निकल जाएगी। और जहां तक मुझे पता है ये आपकी पहली डील है ना? हाँ सर ये मेरी पहली डील है। तो क्या चाहेंगे आप कि आपका जो बिजनेस है वो किराने के धंधे की तरह एकदम रहेंगे या फिर कोठे के धंधे की तरह दौड़े? नहीं नहीं सर मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि ये जो मेरा बिजनेस है वो खूब चले। हाँ तो चलिए जरा अपने प्रोडक्ट के सैंपल तो दिखाइए। ये देखिए सर ये मेरी फैक्ट्री के बेस्ट प्रोडक्ट, सबसे अच्छे कच्चे बनियान, मुर्गा छाप कच्चे बनियान। वाह एकदम मजबूत है ये तो। सर हमने इनमें एक नया फीचर भी ऐड किया, आप जानेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या है वो नया फीचर? सर हमने इनमें ना ओडोनिल जैसे एक फ्रेशनर फिट कर दिया है जिससे ना जिसकी खुशबू से महिलाएं आकर्षित होती हैं। और सर इसका एक और फायदा भी है। क्या? सर इसे पहनने के बाद ना अगर आप पादते भी है ना तो सर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप पाद रहे, क्योंकि किसी को बदबू महसूस ही नहीं होगी। ये बदबू को खुशबू के साथ मिला के खत्म कर देगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ बैठे बैठे पाद भी रहे हैं। सो बेसिकली यू कैन कॉल इट एज अ पदक्कड़ पहचान प्रिवेंटिव डिवाइस। प्रोडक्ट तो आपका ठीक है लेकिन जरा नाम अच्छा नहीं है, तो उसको जरा चेंज कर लीजिएगा। कोई नहीं सर नाम तो चेंज कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ तो उसको चेंज कर लीजिएगा। और आप क्या सिर्फ मेन वियरिंग में डील करते हैं? नहीं नहीं सर बहुत बड़ी रेंज है सर हमारे पास, उल्टा मेन तो हमने अभी शुरू किया है, वुमेन में तो हम बहुत पहले से डील करते हुए आ रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा। और सर लड़कियों के प्रोडक्ट में तो हमें कॉम्बो ऑफर भी देते हैं, मैडम को बहुत पसंद आएगा वो। और ये कॉम्बो ऑफर क्या है? सर लेडीज अंडरवेयर में ना फ्रेशनर के साथ साथ हम एक सीक्रेट जगह पर जनसंख्या नियंत्रण यंत्र इंस्टॉल करके देते हैं। क्या क्या क्या? कौन सा नियंत्रण यंत्र? अरे सर जनसंख्या नियंत्रण यंत्र, केले और खेत का जो मिलाप करवाता है, जिसकी वजह से अंदर घुस के भी सब खाली रह जाता है, जिसकी वजह से हर प्रेमी जोड़ा बच जाता है नाजायज माँ बाप बनने के पाप से, वही है जनसंख्या नियंत्रण यंत्र जो दुनिया में मशहूर है क्वांटम के नाम से। ओ जनसंख्या नियंत्रण यंत्र बहुत बढ़िया, मुझे आपके प्रोडक्ट बहुत पसंद आए। थैंक यू सर। चलिए ये सब तो ठीक है, आप जरा अपने प्रोडक्ट के प्राइस लिस्ट के बारे में बताइए, कितना प्राइस पे करना पड़ेगा हमें आपके प्रोडक्ट के लिए? सर मैं नॉर्मल कच्छों का 40 रुपए लूंगा और सेंट वाले कच्छों का ना 60 रुपए लूंगा। नहीं 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 देखिए इन दोनों तरह के कच्छों के लिए मैं आपको 40 रुपए ही दूंगा। नहीं नहीं सर सर समझिए सर मैं नया बिजनेसमैन हूँ, इतना डिस्काउंट नहीं दे सकता आपको। नहीं 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 आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं सर इस प्राइस पे मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं देखिए ये नहीं चलेगा, आपको इसी प्राइस पर मुझे प्रोडक्ट देना होगा।
अच्छा बड़े चंटे हैं आप चाहते हैं कि इसी प्राइस में आपको नॉर्मल कच्चे मिल जाए और आपके केले को भी सुगंध मिल जाए, लेकिन आई एम सॉरी सर, इतने प्राइस में आपके केले को सुगंधित नहीं कर सकता। लेकिन सुनिए तो। नहीं नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं आपको इतने प्राइस में नहीं दे सकता है प्रोडक्ट। आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितनी मरमार खाई है लोगों से इसके डेवलपमेंट में। हाँ ठीक है, मत भेजिए आप, जाइए, बाय सर। अरे अरे सुनो तो। अरे जाने दो उसे, सेंट वाला कच्चा तो यहीं भूल गया। ढूंढते ढूंढते थक गए लेकिन कहीं नहीं मिला वो सामान, आज आखिर मिल गया एक कच्चा जो कर देगा मेरे सारे काम। अब महकेगा मेरा केला जिससे आकर्षित हो जाएंगी सारी लैला, अब दुनिया देखेगी कच्चे या कमाल क्योंकि मेरे पास होंगी शहर की सारी गर्मा गर्म माल। तरीका चाहे कोई भी हो, शहर को इसके कदमों पे लाऊंगा, और बच्चा चाहे कोई भी हो, बाप मैं ही कहलाऊंगा। इसमें तो टट्टी की बदबू आ रही है, साले ने इसी में टट्टी कर रखी थी और मेरे सूखने के लिए छोड़ गया।